तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हुंडई की एक्सेंट है, 2019 का मॉडल है। इसका एयरबैग फूट चुका है, देख पा रहे हैं, ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड एयरबैग फूट चुका है। तो इस वजह से इसका एयरबैग रिप्लेस करने वाले हैं। तो क्या क्या रिप्लेस करता हूँ वो सब वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो ये फाइनली सऊदी अरब की कार है एक्सेंट, तो इसका डैशबोर्ड खोलना पड़ेगा मेरे को। क्या क्या खोलना पड़ता है वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली इनका दोनों एलंकी निकाल दिया हूँ और एयरबैग निकाल दिया हूँ, और इसमें अपन रिप्लेस जो करने वाले हैं ये एयरबैग, ये सीट बेल्ट सेकेंड पार्ट है, ये मॉड्यूल है, ये दो सेंसर है, एक ये है, और एक ये वाली सेंसर, और नया डैशबोर्ड डालने वाले हैं। तो चलो फिर ये सब खोलने का प्रोसेसिंग मैं खोलता हूँ, ये सब खोल के फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। स्टीयरिंग का बोल्ट खोल दिया हूँ, ये अपना इसीलिए दोनों हाथ का सपोर्ट चाहिए अपने को, निकल रहा है, वैसे भी निकल गया, तो एक सॉकेट निकालना पड़ेगा, ये वाली सॉकेट। तो ये निकालता हूँ, ये साइड का पैनल वगैरह 10 नंबर दोनों खोल दिया हूँ, इधर का खोलना पड़ेगा और इधर का 10 नंबर दोनों खोलना पड़ेगा, फिर सब कंट्रोल बॉक्स निकलेगा। कंट्रोल बॉक्स निकालने के बाद फिर डैशबोर्ड निकलेगा अपना, ये मीटर वगैरह कंट्रोल पैनल, मीटर बोल रहा हूँ, टेप वगैरह निकलने के बाद ही निकलेगा। तो चलो फिर ये सब मैं निकालता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली स्टीयरिंग वगैरह निकाल दिया हूँ। ये जो रिंग है ना, इसका ध्यान रखना आप, जैसे मैं थैली से बांध रखा हूँ इसको, ऐसे ही बांध देना तो बेटर रहेगा। तो चलो बाकी आगे का मैं ये करके दिखाता हूँ आपको। तो ये सब खोलने के बाद आप इसको खींचेंगे आगे साइड अपने तरफ, तो ये फाइबर निकल जाएगा, निकल गया। तो पीछे होल्ड कर देता हूँ। अब मीटर रही, मीटर में 2, 1, 2, 3, 4 स्क्रू है, ये मीटर खुलेगा उसके बाद। तो बाकी ये सब चीज़ें तो आपको मालूम ही रहेगा। ये कंसोल बॉक्स खोलता हूँ, कंसोल बॉक्स खोलने के बाद कंट्रोल पैनल और टेप खोल के निकाल के फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ये वाला ब्रैकेट खोलने में, ये पैनल खोलने में बहुत जन को दिक्कत बहुत सारी आती है, तो मैं इसको बता दे रहा हूँ कैसे खोलने का। ये स्क्रू ड्रॉवर ऐसे बारीक वाला स्क्रू ड्रॉवर डालने का और इसको कटाने का ऐसा, यहाँ का लॉक खुल गया, यहाँ का भी खुल गया, ये काफ़ी हार्ड दिया हुआ रहता है, तो इसको ऐसे ही खुलते खुलते, ऐसा इधर देख लें, खुल गया, ऐसे खुलते 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 पूरा खुलना पड़ेगा। तो चलो फिर मैं खोलता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। पहले इसका ये वाला पार्ट खुलेगा, फिर वो वाला पार्ट खुलेगा, अंदर का डैशबोर्ड निकलेगा। ये वाला पार्ट खोल के इसको अलग कर देता हूँ, फिर ये वाला खुलेगा। तो चलो फिर इसको खोल के बाहर निकाल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली अपना डैशबोर्ड खुल गया, सिर्फ इसको मेरे को बाहर लेने का है। तो चलो बाहर लेकर के फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली डैशबोर्ड बाहर ले लिया हूँ, और ये रही अपना नया वाला डैशबोर्ड। तो चलो इसको मैं खोलता हूँ पूरा पैक, इसमें एयरबैग भी दिया है अपना डैशबोर्ड के साथ, पैसेंजर वाला एयरबैग जो है वो दिया है, ये रही पैसेंजर एयरबैग। तो चलो फिर इसको मैं फाइनली क्या क्या दिया है नहीं दिया है उसको निकाल के इसमें डाल के फिट करके फिर आगे दिखाता हूँ। तो फाइनली इसमें जो जो दिया है पुराने वाले में, नए वाले में भी सब कुछ फिट है कंपनी से। तो चलो कुछ सिर्फ ये अपना वेंट खोल के लगाने की ज़रूरत है अपने को, ये वाली वेंट बाहर साइड से जो दिया हुआ रहता है बस वही, बाकी सब दिया हुआ है। तो चलो फिर मैं इसको फिटिंग करता हूँ, फिटिंग करने के बाद आगे दिखाता हूँ आपको। तो नया डैशबोर्ड फाइनली डाल दिया हूँ, देख रहे हैं आप, नया डैशबोर्ड डल चुकी है, और अपन जा रहे हैं ये वाला मॉड्यूल चेंज करने के लिए। ये मॉड्यूल भी चेंज कर देता हूँ, ये एयरबैग एयरबैग मॉड्यूल है, ये नीचे रहता है, तो मेरे को ये लगाना है, ये डाल देता हूँ नीचे, जूना वाला खोल दिया हूँ मैं। डल चुकी है अपना,
तो ये सब फिटिंग करता हूँ। फिटिंग करने के बाद फिर आगे दिखाता हूँ मैं आपको। तो फाइनली टेस्ट बोर्ड लगभग फिट हो चुका है। अब अपने को ये स्टीयरिंग लगाना बाकी है बस, और जो वेंट रहता है वो डैशबोर्ड का इसमें डालना है। अब सीट बेल्ट देख रहे हैं, सीट बेल्ट जो भी गाड़ी का एयरबैग फूटेगा तो ये सीट बेल्ट टाइट हो जाता है पैसेंजर साइड का। और ड्राइवर साइड का देखिए पूरा ख़त्म, कुछ प्रेशर ही नहीं है इसमें, ये भी गया। तो दोनों सीट बेल्ट चेंज करना रहता है, तो दोनों सीट बेल्ट मैं चेंज करता हूँ फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली सीट बेल्ट भी लग गया अपना, ये वाला सेकेंड वाला सीट बेल्ट लग चुका है। तो चलो उस साइड का लगाता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो फाइनली अपनी गाड़ी पूरी फिट हो चुकी, सीट बेल्ट देख पा रहे हैं, प्रॉपर अभी चल रहा है। ये साइड का भी सीट बेल्ट देख लीजिए, लॉक कर चुका हूँ मैं इसको, प्रॉपर हो रहा है। और लाइट वगैरह सब चली गई, सब प्रॉपर फिट हो चुका है, देख पा रहे हैं आप, प्रॉपर तरीके से फिट हो गया। अभी गाड़ी चालू है ना, कोई लाइट वगैरह कुछ नहीं ब्लिंक कर रहा है। तो हेलो गाइस, ये सब चीज़ें ना मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आए और क्या क्या चेंज करना पड़ा अपने को। ये मॉड्यूल चेंज करना पड़ा, उसके बाद ये दोनों सीट बेल्ट और सेंसर चेंज करना पड़ा। जितनी भी सेंसर रहेगी उतने सब सेंसर, जो सेंसर तो अच्छा ही रहता है लेकिन सेफ्टी रिलेटेड चीज़ रहता है ना इसमें, इस वजह से सब कुछ एयरबैग में जो कुछ भी आता है सब कुछ चेंज करना पड़ता है। बस कंपनी का कहना यही है, क्योंकि हो सकता है प्रॉब्लम करे वो बाद में, इसलिए नया डालना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं। तो चलो फिर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के लिए बढ़ते हैं।